हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय मिस्टर सिंह में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम AWS के अंदर एक प्राइवेट VPC के अंदर दो सबनेट बनाएंगे, हम एक पब्लिक और एक प्राइवेट। उसके अंदर हम इंटरनेट गेटवे अटैच करेंगे उसके साथ, और उसके साथ हम रूट डिफाइन करेंगे कि जो हमारा प्राइवेट सबनेट है वो पब्लिक सबनेट से कनेक्ट होगा, वो डायरेक्ट पब्लिक से नहीं कनेक्ट होगा। तो वो सब कैसे करते हैं, ठीक है? तो उसके लिए हम चलते हैं अपने AWS कंसोल पे। मैं AWS पे लॉगिन करता हूँ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे अपनी AWS की जो आपने आईडी बना रखी है, आप उसे लॉगिन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, पहले फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, मैं नोटपैड में नोट कर लेता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा एक कस्टम VPC क्रिएट करना हमें। ठीक है, तो मैं वन बाय वन नोट करता जाऊंगा मैं। तो हम क्या करते हैं, पहले एक VPC क्रिएट कर लेते हैं। तो VPC कैसे क्रिएट करते हो, आप सर्विसेज में जाके या तो यहाँ पे VPC सर्च कर लो, या फिर आप यहीं से नीचे ड्रॉप डाउन करो और यहाँ पे नीचे नेटवर्क एंड कंटेंट मैंने डिलीवरी का ऑप्शन आएगा और उसके अंदर आपको VPC का ऑप्शन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम VPC करते हैं। ठीक है, कस्टम VPC करने के लिए यहाँ पे अगर कोई डिफॉल्ट VPC बने होंगे तो वो आपको यहाँ पे दिखा देगा, बट मेरे पास भी डिफॉल्ट VPC थे तो मैंने सारे डिलीट कर दिए। यहाँ पे आपको कोई डिफॉल्ट VPC नहीं दिखा रहा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, या तो आप यहाँ से लॉन्च VPC भी चार्ट कर दीजिए, यहाँ पे जाइए योर VPC पे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना है एक VPC क्रिएट करना है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, क्रिएट VPC करता हूँ। VPC का नाम देता हूँ डेमो कस्टम VPC। आप कुछ भी नाम दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि इतना लंबा नाम देना है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछते हैं CIDR रेंज। CIDR रेंज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक पूरा नेटवर्क कि आपको पूरा नेटवर्क कितना डिफाइन करना है। अगर आपको मान लो सिर्फ 10-15 सिस्टम लगाने हैं तो आप छोटा सा नेटवर्क ले सकते हो, बट आपको अगर मान लो फ्यूचर में प्लान है कि हाँ मुझे तो हजारों हजार 2000 सिस्टम मेरे लग जाएंगे, कम से कम डिवाइसेस कनेक्ट हो जाएंगे नेटवर्क पे, तो उस केस में आपको पूरा नेटवर्क डिफाइन करना पड़ता है। तो वो ऐसे नेटवर्क आपको रेंज देनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा नेटवर्क दे दीजिए। उसके बाद आप मल्टीपल सबनेट कर सकते हो क्रिएट, कि मुझे एक सबनेट मैंने क्रिएट कर दिया प्रिंटर के लिए, सेकंड सबनेट मैंने कर दिया वाईफाई राउटर के लिए, तीसरा सबनेट मैंने कर दिया अपना बायोमेट्रिक मशीन के लिए। तो आप इस तरह से बहुत सारे सबनेट क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 10.0.0.0/16 का सबनेट ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये सबनेट लिया है। उसके बाद IPv6 की हमें जरूरत नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स है तो आप वो इनेबल कर सकते हो। ठीक है, 10 SME आपको होता है, अगर डेडिकेटेड उसके लिए बनाना है आपको तो बना सकते हो, बट मैं अभी यहाँ पे डिफॉल्ट लेके चल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको नेम टैग आपको डालना है तो वो डाल सकते हो आप, यहाँ पे नया टैग डालना है तो आपको। ठीक है, उसके बाद मैं क्रिएट VPC पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, VPC क्रिएट हो गया हमारा। इसके बाद हमें क्या करना है, सबनेट क्रिएट करने हैं इस VPC के अंदर। हमारे ये VPC की डिटेल्स आपको देख पा रहे हैं आप यहाँ पे सारी। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, सबनेट क्रिएट करने हैं। आपको जितने सबनेट चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो, बस आपको थोड़ा नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए कि हम VPC क्या होता है, सबनेट क्या होता है, नेटवर्किंग कैसे क्रिएट करते हैं, हम सबनेटिंग कैसे होती है आपकी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो सबनेट क्रिएट करूंगा, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। तो मैं नाम यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट ही दूंगा, पब्लिक सबनेट। ठीक है, किस VPC के अंदर करना है आपको, अगर आपके पास मल्टीपल VPC है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, बट मेरे पास अभी एक ही है तो मेरे पास वही शो कर रहा है मुझे यहाँ पे। अगर आपके पास 2, 3, 4, 5 यहाँ पे है तो आपको यहाँ पे सारे के सारे दिखाएगा, आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। उसके बाद CIDR रेंज इसने ऑटोमेटिक ले ली है आपकी, जो पुराने वाली थी। ठीक है, बट आपको इस सब ने ये अपने इसने पूरे नेटवर्क की रेंज दिखाई है जो आपने ये VPC के अंदर दिखाया है। ये VPC की CIDR है, आपके सबनेट की CIDR नहीं है ये। तो आपको इसके अंदर से सब डिफाइन करनी है सबनेट के लिए।
तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 10.0.1.0/24 का सबनेट एक क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ये मेरा पब्लिक सबनेट है, मैं इसको क्रिएट करता हूँ। सॉरी, सबनेट आईडी डज नॉट एग्जिस्ट, बट बैक करते हैं। ओ सॉरी, हमने जोन सेलेक्ट नहीं किया यहाँ पे, हम जोन सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप तीनों में से जोन कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो कि किस जोन के अंदर आपको क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे AZ2A US East 2A सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, देखिए आपका ये सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। आपको एरर मैसेज दिया था तो आपको ये भी थोड़ा आइडिया हो गया कि मैंने क्या गलती की थी। तो ये रिपीट होती है तो मतलब हमें थोड़ा पता चलता जाता है कि हमने मैंने यहाँ पे ये मिस्टेक कर दी थी, तो आप वो चेंज कर सकते हो उसको बाद में। ठीक है, मैं क्लोज करता हूँ इसको, फिर दोबारा से एक और सबनेट क्रिएट करता हूँ मैं यहाँ पे, प्राइवेट सबनेट। VPC सेलेक्ट करता हूँ मैं, जोन सेलेक्ट करता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। रेंज डिफाइन करता हूँ मैं यहाँ पे 10.0.2.0/24। मेरे यहाँ पे दोनों नेटवर्क डिफरेंट हो गए हैं। ठीक है, मैं इसको क्रिएट करता हूँ और क्लोज करता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे पहले एक इंटरनेट गेटवे अटैच करना है मेरे VPC के साथ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इंटरनेट गेटवे पे जाते हैं और एक नया इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट गेटवे तो है नहीं अभी तक। यहाँ पे इंटरनेट गेटवे लेता हूँ, नाम डालते हैं भाई IG इंटरनेट गेटवे, IG डेमो कर देता हूँ यहाँ पे। IG मतलब इंटरनेट, जी मतलब गेटवे डेमो। अगर आपको टैग देना है तो आप टैग दे सकते हो, नहीं तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। और मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, बट अभी तक ये आपका इंटरनेट गेटवे किसी भी VPC के साथ अटैच नहीं है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये आपको डिटैच दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इसको VPC के साथ अटैच करना पड़ेगा। तो मैं अटैच करने के लिए क्या करना होगा, आपको यहीं पे आप एक्शन के अंदर जाएंगे और इसको अटैच टू VPC कर देंगे। यहाँ पे आपको VPC का नाम दिखा देगा, अगर आपके पास बहुत सारे VPC हैं तो आप उनमें से किसी पे भी सेलेक्ट करके कर सकते हो। ठीक है, मैं डिफॉल्ट करता हूँ मेरा जो मैंने क्रिएट किया हुआ है, और अटैच इंटरनेट गेटवे करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या क्या स्टेप किए, पहला मेरा कस्टम VPC हो गया, सेकेंड टू सबनेट, पब्लिक एंड प्राइवेट। उसके बाद मेरा थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप था मेरा इंटरनेट गेटवे। ठीक है, फिर मैंने इंटरनेट गेटवे को अटैच टू VPC, मैंने इंटरनेट गेटवे को VPC के साथ अटैच किया। इसके बाद क्या करना है आपको, स्टेप फोर में आपको सबनेट के साथ आपको रूट टेबल डिफाइन करनी है कि मेरा कौन सा सबनेट इंटरनेट गेटवे के साथ कनेक्ट रहेगा, कौन सा सबनेट मेरा प्राइवेट के साथ रहेगा, कौन सा इंटरनेट पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको रूट टेबल डिफाइन करनी है यहाँ पे। ठीक है, उसके लिए कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम चलते हैं रूट टेबल पे। ठीक है, रूट टेबल यहाँ पे देखिए एक ऑटोमेटिक क्रिएटेड हो गई है, जैसे हम वो कोई भी VPC क्रिएट करते हैं तो आप इसको चाहो तो नाम दे सकते हो। मैं क्या करता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ पब्लिक। रूट टेबल, और मैं इसको ओके कर देता हूँ, और एक और रूट टेबल मैं क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे प्राइवेट। और यहाँ पे हम VPC के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, इस VPC के अंदर हमें क्रिएट करनी है रूट टेबल। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया, दो रूट टेबल हो गए, प्राइवेट एंड पब्लिक। अब मुझे क्या करना है, पब्लिक रूट टेबल को मुझे इंटरनेट गेटवे के साथ अटैच करना है और प्राइवेट वाले को मुझे सिर्फ प्राइवेट रखना है, मैं उसको मेरे पब्लिक सबनेट के साथ मैं अटैच करूंगा उसको। तो वो कैसे करते हैं, पब्लिक रूट टेबल में जाते हैं, पहले रूट पे जाते हैं, एडिट रूट करते हैं यहाँ पे हम। और यहाँ पे आपका जो पहले आपका CIDR नेटवर्क, पूरे नेटवर्क की रेंज जो दिखाता है वो ऑटोमेटिक सेलेक्टेड मिलेगी यहाँ पे आपको। इसके बाद क्या करना होगा, आपको ऐड रूट करेंगे हम। ऐड रूट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिफाइन करना है कि किस रूट को आपको ऐड करना है। तो यहाँ में क्या करना है, हमें इंटरनेट गेटवे को ऐड करना है।
ठीक है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो 0/0, ये आपका पूरा इंटरनेट गेटवे होता है। इसका मतलब क्या होता है कि आपका पूरा इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा जब हम ये रेंज डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप टारगेट में जाओगे, टारगेट में जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देता है, तो आपको किसके साथ अटैच करना है वो आपको ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। मुझे इंटरनेट गेटवे के साथ करना है, मैं इंटरनेट गेटवे पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो इंटरनेट गेटवे बना होगा मुझे वो यहाँ पे दिखा देगा वो। ठीक है, आईजी डेमो के नाम से मैंने क्रिएट किया था, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अभी ये स्टेटस इसका एक्टिव नहीं है, तो जैसे हम सेव करेंगे चेंज हो जाएगा ये। इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, देखिए दोनों आपको अभी यहाँ पे एक्टिव एक्टिव दिखा रहा है अभी, बट पहले ही आपको एक्टिव नहीं दिखा रहा था यहाँ पे। अगर मैं एडिट करके दोबारा दिखाता हूँ ठीक से आपको, तो देखिए यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबनेट एसोसिएट करवाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबनेट एसोसिएट में जाता हूँ और यहाँ पे एडिट सबनेट करता हूँ मैं यहाँ पे। तो मुझे इसके साथ कौन सा सबनेट अटैच करना है, ये मेरा पब्लिक रूट टेबल है ये मेरी, तो मुझे इसके साथ पब्लिक सबनेट रूट करवाना है। तो मैं यहाँ पे पब्लिक सबनेट लूंगा और इसको मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया पब्लिक सबनेट के साथ अटैच। इसके बाद मेरा सेकंड काम क्या होगा, मैं प्राइवेट के अंदर जाऊंगा। प्राइवेट के अंदर मुझे क्या चेक करना है, रूट मुझे डिफाइन करना नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो प्राइवेट है मेरा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उसको रूट मेरा जो एक डिफॉल्ट बना हुआ है मैं सिर्फ उसी को रखूंगा जो डिफॉल्ट दिखाता है आपको यहाँ पे 16 वाला। इंटरनेट गेटवे के साथ मुझे अटैच करना नहीं है इसको, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। बट मुझे क्या करना है, मुझे इसको सबनेट के साथ एसोसिएट करना है। सबनेट क्या करना है मुझे यहाँ पे, सबनेट मुझे लेना है यहाँ पे प्राइवेट सबनेट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एडिट सबनेट करूँगा और यहाँ पे मैं पब्लिक की जगह पे प्राइवेट सबनेट सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पब्लिक और प्राइवेट सबनेट अटैच कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मेरा ये अटैच हो गया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको दोनों वीपीसी दोनों सबनेट के अंदर एक एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है। वो कैसे करते हैं क्रिएट, तो मैं आपको एक डेमो के लिए आपको बना के दिखा देता हूँ दोनों वीपीसी के अंदर एक एक वर्चुअल मशीन। तो उसके लिए मैं क्या करना है, मैं एक डुप्लीकेट टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पे ऊपर EC2 इंस्टेंस में चला जाता हूँ मैं। रनिंग इंस्टेंस, अभी मेरे पास कोई इंस्टेंस नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस करूंगा। लॉन्च इंस्टेंस करने के बाद मैं यहाँ पे फ्री टियर एक्सेस लोगे, आपको मैं लिनक्स की बना के दिखा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ी जल्दी बन जाएंगी। ठीक है, लिनक्स सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे T2 माइक्रो में डिफॉल्ट साइज ले रहा हूँ। नेक्स्ट, उसके बाद आपको कितने इंस्टेंस क्रिएट करने हैं वो आप नंबर डाल सकते हो, यहाँ पे मुझे एक ही करना है। ठीक है, सेकंड, नेटवर्क किस वीपीसी के अंदर करना है, मेरा डिफॉल्ट वीपीसी एक ही है तो मुझे वही वीपीसी दिखा रहा है, मुझे उसी वीपीसी में करना है। ठीक है, तो मैं वो डिफॉल्ट सिलेक्टेड है मेरा, अगर आपको किसी और के अंदर करनी है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। अब यहाँ पे आपको सबनेट पूछता है कि किस सबनेट के अंदर आपको आपकी वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है। तो मेरे पास देखिए, मैंने जो सबनेट दिया था उसमें 251 IPU है जो मेरे पास यूजेबल है, जिसको मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा अभी मैंने यहाँ पे प्राइवेट में कर रहा हूँ मैं क्रिएट। ठीक है, अब ऑटो असाइनिंग पब्लिक आईपी, अगर आपको यहाँ पे पब्लिक आईपी असाइन करवाना है तो आप यहाँ पे असाइन करवा सकते हो, बट अगर यूज सबनेटिंग करनी है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे सबनेटिंग के थ्रू आप उसको असाइन करवा सकते हो, बट इसमें क्या होगा, पब्लिक आईपी नहीं मिलेंगे आपके। ठीक है, तो मैं अभी यही करता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं, डिफॉल्ट सेटिंग हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट करते हैं, हार्ड डिस्क डिफॉल्ट लेता हूँ मैं, जो हमारी डिस्क लेनी है हमें यहाँ पे। स्टोरेज टैग मुझे नहीं डालना कुछ अभी। कॉन्फ़िगरेशन में ग्रुप में सिक्योरिटी ग्रुप में आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो क्रिएट कर सकते हो, बट मैं अभी ये क्रिएट न्यू करके नेक्स्ट करता हूँ, मैं इसको रिव्यू करता हूँ और यहाँ से लॉन्च कर लेता हूँ मैं। एग्जिस्ट की करते हैं, क्रिएट न्यू की, डेमो डाउनलोड कर लेता हूँ मैं की को, डेमो पी मतलब डेमो परपज। ठीक है, आप कुछ भी डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं ISO के अंदर इसको सेव करता हूँ और इसको लॉन्च कर देता हूँ मैं इंस्टेंस को। ठीक है, जब तक मेरी पब्लिक इंस्टेंस क्रिएट होती है तब तक मैं प्राइवेट इंस्टेंस और क्रिएट पब्लिक, ये मेरी प्राइवेट सबनेट के अंदर किया मैंने क्रिएट, तब तक मैं पब्लिक सबनेट के अंदर और एक क्रिएट कर देता हूँ।
मैं लॉन्च इंस्टेंस करता हूँ, मैं फ्री टीयर लेता हूँ, T2 माइक्रो लेता हूँ मैं, नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे डेमो और प्राइवेट पब्लिक ले लेता हूँ मैं, प्राइवेट को चेंज करके, क्योंकि प्राइवेट में ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, बाकी डिफॉल्ट सेटिंग रख रहा हूँ मैं, कोई चेंज नहीं कर रहा। जन एग्जिस्टिंग ले लेता हूँ मैं, मैंने कहाँ पे सेव की थी, डेमो पी के नाम से मैंने क्रिएट की थी, अभी एक्नॉलेज करता हूँ मैं, लॉन्च कर देता हूँ उसको। ठीक है, तो अब मैंने क्या क्या किया, मैं आपको यहाँ पे रूट टेबल मैंने डिफाइन किया है। रूट टेबल डिफाइन करने के बाद मैंने क्या किया, रूट टेबल के अंदर मैंने पहले रूट टेबल को इंटरनेट गेटवे से अटैच किया, मैंने रूट टेबल के अंदर मैंने पहले क्या किया है, क्रिएट टू रूट टेबल, वन पब्लिक एंड वन प्राइवेट। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया है, रूट टेबल पब्लिक को मैंने अटैच किया है इंटरनेट, अटैच टू इंटरनेट गेटवे, देन अटैच टू पब्लिक सबनेट। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, प्राइवेट सबनेट को रूट टेबल प्राइवेट अटैच टू प्राइवेट सबनेट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पब्लिक टेबल, पब्लिक रूट टेबल जो मैंने की थी उसको पहले इंटरनेट गेटवे से अटैच किया है और उसको पब्लिक सबनेट से मैंने अटैच किया है। ठीक है, उसके बाद मैंने प्राइवेट एक रूट टेबल बनाई है प्राइवेट, और प्राइवेट रूट टेबल को मैंने सिर्फ प्राइवेट सबनेट के साथ अटैच किया है। मतलब क्या किया, मैंने इस मशीन के अंदर मेरा इंटरनेट नहीं चलेगा, ठीक है, और इसको मैं बट इस पब्लिक नेटवर्क के अंदर बैठ के, इस पब्लिक नेटवर्क मतलब पब्लिक नेटवर्क नहीं, पब्लिक सबनेट के अंदर बैठ के मैं इस वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर सकता हूँ इसके प्राइवेट आईपी के थ्रू। ठीक है, बट इसके अंदर इंटरनेट मेरा चलेगा, ये डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्टेड है मेरी, ठीक है, पब्लिक आईपी नहीं मिलेंगे इसको, बट इंटरनेट से कनेक्टेड रहेंगे ये। बट आपको अगर ये एक्सेस करके चेक करनी है तो आपको पहले एक वर्चुअल मशीन के साथ पब्लिक आईपी असाइन करवाना पड़ेगा, वो मैन्युअली आप क्रिएट कर सकते हो पब्लिक आईपी, देन आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो उस पर इस रूट टेबल के थ्रू, और आप बाकी सारे मशीन्स को इनको आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ है, ये पब्लिक के साथ है, डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्टेड कर रखा है हमने सबनेट को, बट ये हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। तो हम इस सबनेट के अंदर बैठ के इस वाले सबनेट को हम एक्सेस कर सकते हैं, और इस सबनेट को अंदर बैठ के हम इस सबनेट को एक्सेस कर सकते हैं, बट प्राइवेट आईपी के थ्रू, पब्लिक आईपी के थ्रू नहीं होंगे वो, क्योंकि इस पे तो पब्लिक आईपी मिलेगा ही नहीं जब तक हम असाइन नहीं करेंगे मैनुअली उसको। ठीक है, तो मेरी दोनों ऑलमोस्ट मेरी दोनों वर्चुअल मशीन रेडी हो गई होंगी, मैं एक बार चलता हूँ, एक वर्चुअल मशीन मेरी रेडी है, इस पर क्लिक करता हूँ, एक बार आपको डिटेल्स दिखा देता हूँ इसकी। ठीक है, ये मेरी वर्चुअल मशीन है, इसकी इंस्टेंस आईडी है, पब्लिक आईपी इसको मिला नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने असाइन नहीं किया वो, तो प्राइवेट आईपी बट इसको मिला है। ठीक है, प्राइवेट आईपी क्या, आप ये चेक कर लीजिए, देख लीजिए डिफरेंट सब, ये डिफरेंट आईपी है, मतलब एक सबनेट का है, ये सबनेट कौन सा है आपका, यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो डिटेल में जाके, पब्लिक सबनेट का है, मतलब इस मशीन को हम जब एक्सेस करेंगे तो इस मशीन के ऊपर आपका इंटरनेट एक्सेस मिलेगा, आपको इंटरनेट चलेगा चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक सबनेट के अंदर जो हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट किया वो हमारी रेडी है, इसका आईपी ये प्राइवेट आईपी मिला है इसको। ठीक है, बाकी डिटेल है आपके, आप नॉर्मली चेक कर सकते हो। दूसरी अगर आपको चेक करनी है तो जो दूसरी मेरी इंस्टेंस है वो भी मेरी रेडी हो गई है, तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ और उसकी डिटेल चेक करता हूँ मैं एक बार, यहाँ पे क्या डिटेल्स मिली है मुझे, यहाँ पे देखिए इसका आईपी आपका 251 है, तो पब्लिक वाला ही है आपका जो पब्लिक सबनेट के अंदर थी। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा वो कर देता हूँ, इसको मैं नोट कर देता हूँ, यहाँ पे टैग डाल देता हूँ ताकि मैं कन्फ्यूजन ना हो, पब्लिक सबनेट। ठीक है, इसके पब्लिक सबनेट के अंदर क्रिएट हो रखी है ये हमारी प्राइवेट के अंदर है,
यहाँ पे रेंज भी देख सकते हो आप, डिफरेंट रेंज के आईपी आ गई है। तो यहाँ पे नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको प्राइवेट सबनेट दिखा देगा। जब हम इन दोनों मशीन को प्राइवेट आईपी के थ्रू एक्सेस कर लेंगे तो आपको डिफरेंस क्या मिलेगा, आपको इस वाली वर्चुअल मशीन पे इंटरनेट एक्सेस मिलेगा बट इस मशीन पे आपको इंटरनेट एक्सेस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो किसी इंटरनेट गेटवे के साथ हमने अटैच नहीं की है। तो आज के वीडियो का मेन पर्पज मेरा यही था कि हम एक कस्टम वीपीसी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर हम सबनेट कैसे क्रिएट करते हैं, इंटरनेट गेटवे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इंटरनेट गेटवे को हम वीपीसी के साथ कैसे अटैच करते हैं, अटैच करने के बाद हम रूट टेबल कैसे डिफाइन करते हैं, रूट टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एक पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट में हम पब्लिक एक सब पब्लिक सबनेट को हमने इंटरनेट एक्सेस दे दिया, प्राइवेट सबनेट को हमने इंटरनेट एक्सेस नहीं दिया है, तो हम उन दोनों को आपस में कम्युनिकेट कैसे करवा सकते हैं, हम ये आगे की वीडियोज में करके दिखाऊंगा मैं आपको, कि एग्जैक्ट प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। इस पर्पज का इसका मेरा मेन वीडियो मोटिव ये था कि आपको पता चल जाए कि हम इंटरनेट गेटवे कैसे क्रिएट करते हैं, अटैच करते हैं, आपको कस्टम वीपीसी कैसे क्रिएट करना है, सबनेट कैसे क्रिएट करना है, रूट टेबल कैसे डिफाइन करते हैं आप, उसके बाद दोनों अलग अलग वीपीसी के अंदर आपको वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करनी है वो आइडिया मिल जाए। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद सारा आइडिया मिल गया होगा इसका, बट आगे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। दो वर्चुअल मशीन जो मैंने आज के सिनेरियो में किया है वो मैं एक्सेस करके दिखाऊंगा आपको, आपको दिखाऊंगा कि मैं पब्लिक सबनेट में बैठ के प्राइवेट सबनेट को कैसे एक्सेस कर रहा हूँ, और प्राइवेट सबनेट से मैं पब्लिक सबनेट को प्राइवेट आईपी के थ्रू कैसे एक्सेस कर रहा हूँ, और पब्लिक सबनेट में मेरा इंटरनेट एक्सेस होगा, प्राइवेट सबनेट में मेरा इंटरनेट एक्सेस नहीं होगा, वो सब मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा पूरा का पूरा। तो होप गाइज आप लोगों को काफी अच्छी नॉलेज हो रही होगी डेमोज से, वीडियोज से, क्योंकि मैं 100% प्रैक्टिकल दिखाता हूँ जो भी दिखाता हूँ। आपने अगर आप आज तक की जो भी लेक्चर्स देखे हैं तो आपने 100% प्रैक्टिकली ही देखा होगा, कोई भी वीडियो ऐसा नहीं मिला होगा जिसमें आपको कन्फ्यूजन हुई होगी प्रैक्टिकल करने के अंदर। ठीक है, तो होप गाइज थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, और बेल आइकन को प्रेस करते रहें ताकि आने वाले सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो थैंक्स अगेन गाइज, बाय, कीप वॉचिंग।